नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली तक एकदम नए रंग रूप में, नए अंदाज में आपके सामने आ चुका है। दिल्ली और एनसीआर की खबरों के लिए आप भी जुड़ जाइए दिल्ली तक के साथ। इस वक्त एक बेहद खराब खबर मेरे पास आपके लिए है, क्योंकि लगातार कोरोना की जो तीसरी वेव की बात हम करते हैं, जिसे हम ओमिक्रॉन वेव कहते हैं, वो अब दहशत फैलाना शुरू कर चुकी है। हालांकि संक्रमण की जो रफ्तार है वो तो हमने देखा कि किस रफ्तार से, किस तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा मौत का जो आंकड़ा है तीसरी वेव के अंदर, वो टूट चुका है। जी हाँ, पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर 43 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है, और ये तीसरी लहर के अंदर एक दिन में सबसे बड़ा मौत का आंकड़ा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि तीसरी वेव के दौरान किस तरह से दिल्ली के अंदर हालात रहे। 10 जनवरी को दिल्ली में 19,166 कोरोना के मामले आए थे और 17 लोगों की मौत हुई थी। पॉजिटिविटी रेट जो है वो 25% पर पहुंच गया था। 11 जनवरी को ये मामले बढ़े और 21,259 मामले सामने आए थे। 23 लोगों की मौत हुई थी और पॉजिटिविटी रेट 25.65% पर पहुंच गया था। इसके बाद 12 जनवरी की बात करें तो 27,561 मामले दर्ज हुए थे। 40 लोगों की मौत हुई थी 12 जनवरी को, जो कि सबसे बड़ा नंबर उस वक्त था। तीसरी वेव के दौरान 26.22% पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया था। 13 जनवरी को एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस दिल्ली में दर्ज हुए थे। दूसरी वेव के दौरान जो नंबर आया था सबसे बड़ा, उसका भी रिकॉर्ड टूट गया था और 13 जनवरी को 28,867 मामले रिकॉर्ड किए गए थे। 31 लोगों की जान गई थी और पॉजिटिविटी रेट 29.21% पहुंच गई थी। 14 जनवरी को मामले घटे और 24,383 मामले दर्ज हुए। 34 लोगों की जान गई। 30.64% पॉजिटिविटी रेट रहा। 15 जनवरी को मामले फिर घटे। 20,718 मामले एक दिन के अंदर रिकॉर्ड हुए। 30 लोगों की जान गई। 30.64% पॉजिटिविटी रेट रहा। 16 जनवरी को बात करें तो 18,286 मामले सामने आए। 28 लोगों की जान गई। 27.87% पॉजिटिविटी रेट रहा। वहीं अगर 17 जनवरी की बात करें तो 17 जनवरी को 12,527 मामले आए थे। 24 लोगों की जान गई थी और 27.99% पॉजिटिविटी रेट रिकॉर्ड किया गया। 18 जनवरी को मामले घटे। 11,684 मामले सामने आए, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ा। 38 लोगों की जान 18 जनवरी को कोरोना की वजह से गई थी। 22.47% पॉजिटिविटी रेट रहा। 19 जनवरी को मामले फिर बढ़े और 13,785 मामले रिकॉर्ड किए गए। 35 लोगों की जान चली गई और 23.86% पॉजिटिविटी रेट रहा। लेकिन 20 जनवरी को जो डेटा पब्लिश हुआ है, उसमें एक दिन के अंदर जो कोरोना के केसेस आए हैं वो है 12,306। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि 43 लोगों की जान बीते 24 घंटे में दिल्ली के अंदर चली गई है कोरोना की वजह से। इसके अलावा 21.48% पॉजिटिविटी रेट रिकॉर्ड किया गया। तो बीते 24 घंटे के अंदर दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा एक दिन के अंदर जो मौत हुई है वो नंबर 43 पर पहुंच गया है। तीसरी वेव में ये सबसे ज्यादा मौत एक दिन के अंदर रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले सबसे ज्यादा एक दिन के अंदर तीसरी वेव के दौरान 12 जनवरी को दिल्ली में मौत हुई थी। 40 लोगों की जान उस वक्त चली गई थी। लेकिन अब जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ा है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। और साथ ही साथ अगर हम पॉजिटिव केसेस की भी बात करें तो पॉजिटिव केसेस लगातार दिल्ली के अंदर 10,000 से ऊपर ही बने हुए हैं। ऐसे में सरकार को इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से सोचना होगा कि आखिर क्यों दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी रेट भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन नहीं हो रही है, केसेस भी बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 14 जनवरी से जरूर एक ट्रेंड देखा गया था जब केसेस घटने लगे थे, लेकिन एक बार फिर से जो मामले हैं वो 12 से 13 हजार के आसपास आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा टेंशन की बात है कि दिल्ली के अंदर जो डेथ है वो भी ज्यादा हो रही है। हालांकि सत्येंद्र जैन का बयान हमने आपको सुनाया था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ कोविड से जो डेथ हो रही है वो नंबर नहीं है, बल्कि कॉमोबिटीज यानी कि कोरोना के साथ जो अन्य गंभीर बीमारी है उसकी वजह से जिन पेशेंट्स की जान जा रही है वो नंबर भी इसमें ऐड होकर आता है, लेकिन साथ ही साथ कोरोना का नंबर भी इसमें ऐड होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा और गंभीरता से इस पूरे मामले को देखना चाहिए और हमें भी पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बार बार हम कहते हैं, अपील करते हैं, वो अमल में लेकर आइए और मास्क हमेशा चेहरे पर लगा कर रखिए। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।